हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स एंड आई होप दैट वी ऑल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट, मीन्स पास्ट फॉर्म्स। In your book, page number 55, mentioned the 17th chapter name is, means concept name is past forms. So let's start this concept. So what is past form? Where we use past form? We often use the past form to describe a finished action. Means क्या है, हम कहाँ पे past form use करते हैं? अगर हमारा कौन सी action हो, हमारा कौन सा काम हो, हमारी कौन सी movement हो, अगर ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, उसका काम ख़त्म हो चुका है, उसकी एक्शन ख़त्म हो चुकी है, तो वहाँ पे हम बताने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखते हैं चलो उसका एग्जांपल विथ पिक्चर के साथ। फर्स्ट एग्जांपल है देखो यहाँ पे, आई किक्ड द बॉल। यहाँ पे देखो सेंटेंस में आई मीन्स नाउन है, हमने सीखा है, उसके बाद किक मीन्स यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ किया है वर्ब को, और द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब प्लस ईडी मीन्स आपको वर्ब मीन्स, अब हमें वर्ब मीन्स किक, ये किक क्या है, वर्ब है, और उसे ईडी लगाना है मीन्स पास्ट फॉर्म लगाना है। किस तरह से देखो यहाँ पे ऑलरेडी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बॉय है और उसने ऑलरेडी किक लगा चुका है, वो किक लगाई है, तो उसका जो एक्शन है, उसका जो काम है किक लगाने का, वो ख़त्म हो चुका है। मीन्स आई किक द बॉल, वो बॉय कह रहा है, उसका जो काम था वो कह रहा है कि मैंने किक लगा दी, मैंने किक लगा दी। ही वॉक टू स्कूल। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ही वॉक टू स्कूल, वो स्कूल को गया था, मीन्स वो उसका जो जाने का मीन्स वॉकिंग का जो मूवमेंट थी, एक्शन थी उसकी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो वॉक यहाँ पे वर्ब है, उसे ईडी लगाया है, मीन्स यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ किया है। हमें इतना ही याद रखना है कि पास्ट फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस ईडी। ही वॉक टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या पॉइंट है देखो, वर्ब प्लस डी, वर्ब्स एंडिंग इन एंड ई लाइक क्लोज वाइप। मीन्स यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है क्लोज और वाइप का, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है कि अगर सेंटेंस में ऐसा वर्ब है कि जिसके एंडिंग में ई आ चुका है, तो हमने क्या सीखा है, पास्ट फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस ई डी लगाना है हमें। अगर वर्ब में ही ऑलरेडी ई मेंशन किया है एंडिंग में, उस वर्ब के मीन्स वर्ड्स के एंडिंग में, तो ओनली हमें क्या लगाना है, डी लगाना है, नॉट ई डी लगाना है, ओनली डी लगाना है। किस तरह से देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ही क्लोज द डोर, ही क्लोज द डोर, क्लोज यहाँ पे वर्ब है, इसको क्लोज की स्पेलिंग है सी एल ओ एस ई, यहाँ पे ऑलरेडी ई है, तो हमें ओनली डी लगाना है पास्ट फॉर्म में, तो क्या लगाएंगे हम, डी, तो स्पेलिंग हो जाएगी सी एल ओ एस ई डी, ही क्लोज द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम, दे वाइप द टेबल। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप दो गर्ल्स है, और वो क्या कर रही थी, वो टेबल साफ कर रही थी, मींस कर रहे थे वो, एक्चुअली में वो उनका कार्य जो है चालू नहीं है, उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर मेंशन किया है दे वाइप द टेबल। देखो यहाँ पे वाइप के एंडिंग में ई आ गया है, तो यहाँ पे उन्हें डी लगाना है, तो ये हो गया वाइप द टेबल। यहाँ पे हम वो प्लस डी यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अगला एग्जांपल लिख सकते हैं हम, वर्ब्स एंडिंग इन अ वाई, वाई बिकम्स आई लाइक ट्राई स्टडी। ट्राई स्टडी जो वर्ब है उसके साथ एग्जांपल है। हम देखते हैं यहाँ पे कहा गया है कि अगर वर्ब के एंडिंग में वाई आ चुका हो, और उस वर्ब मीन्स ईडी लगाने से पहले वाई को हमें इरेज करके वहाँ पे आई रख के उसके सामने ईडी लगाना है, मीन्स पास्ट फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल है, ही ट्राइड टू ड्राइव अ कार। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक मैन है, वो अच्छी तरह से जो कार है वो ड्राइव कर रहा है, लेकिन हमें क्या सेंटेंस बताया गया है, ही ट्राई टू ड्राइव अ कार, वो जो कार है वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था। मीन्स यहाँ पे देखो ट्राई जो स्पेलिंग है वो टी आर वाई होता है, वाई को निकाल के हमें क्या करना है, उसकी जगह आई रख के उसे ई डी मीन्स पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो कौन सा भी सेंटेंस हो उसमें हमें वर्ब ढूंढना है और उसको वर्ब को हमें ई डी लगाना है, तो वो हो जाएगा हमारा पास्ट फॉर्म। यहाँ के जो पूरे पिक्चर्स बताए गए हैं वो
पास फॉर्म के बताए गए और सेंटेंस भी उसमें ऐड किया है, लेकिन उसके कौन से रूल्स है मैंने बताया है, पहले वर्ब प्लस ई डी, बाद में वर्ब प्लस डी, वर्ब्स एंडिंग इन ई लाइक क्लोज एंड वाइप में दो वर्ब्स के सेंटेंस बताए है उस एज वेल एज वर्ब्स एंडिंग इन वाई, वाई बिकम्स आई लाइक ट्राई एंड स्टडी, स्टडी का दे स्टडीड अ लॉट, यहाँ पे भी वाई को निकाल के आई लगाना है, बाद में ई डी लगाना है। तो ये हो गए हमारे सारे पास फॉर्म किस तरह से लगाना है और किस तरह से वो भी रीड करना है। तो ये यहाँ पे हमारा ये जो कंसेप्ट है पास फॉर्म खत्म होता है। और इसके जो नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, means fill in the blanks using the past form of the words given in the brackets as well as rewrite the sentence in the past form and complete the sentences choosing the past form from the given options। ये जो पूरे questions है वो आपको HW में और test में complete करना है। अगर ये video आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से हमें past form use करना है। Thank you।